अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टिकिया की रेसिपी। बेसिकली आपने चिकन की, वेजीज की, सोयाबीन की, मतलब की जो वैरायटीज आती है आपने उस किस्म की टिकिया खाई होगी, पर आज मैं आपके साथ ब्रेड की टिकिया की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। अगर आपने आज से पहले ब्रेड की टिकिया की रेसिपी कभी ट्राई नहीं की है तो इस वीडियो को देख के ज़रूर ट्राई करना, यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। जो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स हमें लगते हैं वो हमारे घर पे मौजूद रहते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और कम से कम इंग्रेडिएंट्स में ये अच्छी तरीके से ये डिलीशियस टिकिया रेडी हो जाता है। तो फिर चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, इट्स टोटली फ्री। तो सबसे पहले आपको ले लेना है 3 ब्रेड के स्लाइसेस। अगर आपके पास स्लाइसेस लेना है तो स्लाइसेस ले सकते हो, नहीं तो आप चाहे तो मेरी तरह लेफ़्ट ओवर ब्रेड का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें ब्रेड को है ना सॉफ्ट करना है, तो सबसे पहले पानी में डिप कर लो और उसको स्क्वीज करके रख दो। इस तरीके से हमारा जो ब्रेड है ना वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ी बाइंडिंग में हमें दिक्कत नहीं होगी, वो अच्छी तरीके से बाइंडिंग होगी, इसलिए हम ये प्रोसेस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने पूरा पानी निकाल लिया है इसमें से। तब हम क्या करेंगे, इसमें आधी कटोरी डाल देंगे मटर, ये फ्रोज़न मटर है यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर हम इसमें डाल देंगे एक प्याज, वो भी मीडियम साइज़ का फाइन चॉप किया हुआ। एक बॉईल आलू डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और नमक जो रहेगा वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, 2 से 3 हरी मिर्च। उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से कंबाइन कर लेंगे, मतलब आपस में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पर मिक्स हो गया है। इस टाइम पर आप यहाँ पर नमक चेक कर सकते हो, आपको अगर कम ज़्यादा जितना डालना हो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। फिर हम हाथ में लगा देंगे ऑयल, या पानी से भी हम कर सकते हैं। फिर हाथ में ले लेंगे बैटर को और अच्छी तरीके से गोल गोल शेप से, जो नॉर्मल शेप उसका है टिकिया का आता है, बस मैं वही शेप दूँगी इसको, बस ये शेप दे देना है। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर रेडी है। तो आपको भी अगर ये शेप देना तो ये शेप दो, नहीं तो अपना मनपसंद शेप आप दे सकते हो। तो चलिए इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर सेलो फ्राई करूँगी इसलिए मैंने एक पैन लिया, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। ऑयल को थोड़ा सा हीट होने देना है, जब वो हीट हो जाए तो हमें फ्लेम को मीडियम पर रख देना है। फिर अपनी जो टिकिया है उसको इसमें डालते जाना है। वैसे ये रेसिपी बनाना आसान है, इसको फ्राई करना सब कुछ बहुत आसान है और कम से कम तेल में ये अच्छी तरीके से सेलो फ्राई भी हो जाता है। तो आप यकीनन एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी ये रेसिपी बनी थी। अब हम क्या करेंगे, इसको एक साइड ने अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से मतलब कि फ्राई हो जाए, गोल्डन फ्राई हो जाए, बस उतना तक ही रखना है। फिर आप चाहे तो पैन को इस तरीके से उठा के जो ऑयल एक साइड हो जाए या दूसरी साइड हो जाए तो हर जगह पे आप अच्छी तरीके से इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हो ताकि हर जगह ऑयल पहुँचे। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक साइड है वो अच्छी तरीके से हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी साइडें चेंज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लाइट गोल्डन ब्राउन ही रखा है इसका कलर में, अगर आप चाहें तो इससे थोड़ा सा डार्क कलर भी रख सकते हो।
अगर आपको वो ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा मतलब कि 4 मिनट आप रख लोगे तो उस तरीके का कलर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 मिनट ही रखा था, इसलिए मेरा थोड़ा सा लाइट गोल्डन आया है। आप चाहे तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा रख के उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे ये रेसिपी आप एनी टाइम बना सकते हो, कहीं भी कैरी कर सकते हो। अगर कोई गेस्ट भी आ जाए तो इंस्टेंट आप इसको फटाफट से भी बना सकते हो, बहुत ही जल्दी बन जाती है, इतना टाइम नहीं लगता है। नॉर्मली ये ब्रेड से बनेगी तो ब्रेड हमारे घर पे रहते ही है, हर किसी के घर पे आजकल ब्रेड नॉर्मल सी चीज़ है, हर किसी के घर पे अवेलेबल होती है। तो लीजिए हमारी टिकिया बनके रेडी है। ये बहुत ही इजी इंस्टेंट क्विक रेसिपी है, आप एनी टाइम बना सकते हो, एनी टाइम खा सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना और एक बार इसको बना के मेरे साथ फीडबैक शेयर करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी जाके आप प्रेस कर दीजिए, इस तरीके से मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप अभी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो फटाफट से वहाँ जाके फॉलो कर दीजिए। यहाँ तो आपको वीडियोस मिलती, रेसिपी सब कुछ मिलता है, वहाँ भी आपको सब कुछ मिलेगा तो आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।